आजमगढ़ में एक स्कूली छात्रा के स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर सुसाइड के मामले, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में 8 अगस्त को गाजियाबाद के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रखे गए। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और गाजियाबाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर गाजियाबाद के अधिकांश निजी स्कूल बंद हैं। 8 अगस्त को स्कूल बंद रखने के फैसले की जानकारी स्कूलों ने पेरेंट्स को मैसेज कर भेज दी थी। हालांकि गाजियाबाद में स्कूलों को बंद रखने के फैसले को गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने गलत बताया है और फैसले का विरोध किया है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र दिया। जेपीए के अनुसार हैंडेड स्कूल एसोसिएशन और स्कूल फेडरेशन द्वारा अपना वर्चस्व और शक्ति प्रदर्शन शासन प्रशासन एवं पुलिस पर और जांच प्रक्रिया पर दबाव बनाने के तहत यह बंद का फैसला लिया गया है, जिससे लगता है कि स्कूल एसोसिएशन बच्चे की मौत की घटना के दोषियों को बचाने में जुटी हुई है और न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना चाहती है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। इसीलिए स्कूलों को बंद रखने पर रोक लगाकर इस पर कार्यवाही की जाए और बच्चे की मौत के दोषियों पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा कल सुबह बाखबर संत रामपाल जी टैग ट्रेंड की कराया गया, जो कि ट्विटर पर नंबर वन पर काफ़ी समय तक बना रहा, जिसमें इस्लाम धर्म व अल्लाह से संबंधित जानकारियां साझा की गई।